बड़े ही सुपर डुपर तरीके समापन होया और समापन का सेरा भी ऑर्गेनाइजर जो सा उड़ान के जी एस ढिल्लों जी उन्होंने गल करा और किन्ने गज की डेट के तड़े को किन्ने के विजिटर आए हैं और जिहड़ियां कंपनियां उन्होंने वाकई सारिया बहुत सैटिस्फाई है की कहना चाहोगे ये जी बारहवीं एग्जीबिशन लगाई है। मैं थैंक यू कहना चाहूँगा सारिया का, सारिया मेरी जिहड़ियां सपोर्टिंग एसोसीएशनस है, सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एन एस आई सी एम एस एम ई पंजाब गवर्नमेंट सब ने बहुत सहयोग दिता, मीडिया मीडिया ने बहुत सहयोग दिता कि असी इन्ना सक्सैसफुल ईवेंट कर पाए। तो यह सब दे मेल जोल नाल हुंदा, 650 कंपनियां इत्थे पार्टिसिपेट किया और उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया इस एग्जीबिशन नूं कामयाब कर ली तो सब का धन्यवाद। बहुत सुपर डुपर शो रहा है, साढ़े कोल 50,000 प्लस विजिटर इत्थे रजिस्टर हो चुके हैं। तो बाकी नैक्सट टाइम मिलते हैं होर वधिया लैके आओ। जो बिजनेस की गल करिए, जिदा पिछले साल भी बहुत अच्छा बिजनेस किया, हुण किन्ने क अप्रोक्सीमेट तुहानूं उम्मीद है इन्ने करोड़ का बिजनेस हो जाएगा? लास्ट टाइम जो साढ़े कोल फीडबैक फॉर्म आया सी उहदा जदों कैलकुलेशन टोटल करते 950 करोड़ बनता सीगा, इस बार हजे तो साढ़े कोल आऊगा तो फिर सानूं जरूर दसांगे, उस तो ज़्यादा ही होगा। इत्थे बी टू बी भी थोड़ा होई मीटिंग्स वगैरह जिस तरह पहला होंदी सी? बिल्कुल, नॉट इवन नॉट इतने एग्जीबिशन कली नहीं है, एग्जीबिशन तो बाद भी सगो कि साढ़े छे सौ कंपनियां पैन इंडिया तो पार्टिसिपेट कर रही हैं। मैं हर रोज़ किसी न किसी मीटिंग पर हुंदा सी, बहुत सारिया बी टू बी मीटिंग्स इन्हां दीआं होईआं, बिजनेस डील्स बहुत अच्छी हुई। एम एस एम ई की गल की, कि योगदान समझते हो? एम एस ई का योगदान बहुत ज़्यादा रहा एग्जीबिशन तौर पर, क्योंकि इंडस्ट्री को प्रमोट करने वास्ते बहुत जरूरी है। देखो इंडिया के मेन तो एम एस एम ई ही है ना, तो सब तो ज़्यादा साड़ी जिहड़ी छोटी इंडस्ट्री है वह बहुत सहयोग रहिंदा एग्जीबिशन च भी, और साडा भी कोशिश रहिंदी है कि वह इंडस्ट्री इत्थे आके पार्टिसिपेट करे ताकि वह आपां कल नूं ग्रो करे और वह की बना रहे लोगों को पता चले। किस तरह समय आने वाला जो भविष्य है, सरकार साथ दे रही है, क्योंकि सरकार के नुमाइंदे भी बहुत विजिट किए इस एग्जीबिशन से? बिल्कुल, सरकार तो ऑलवेज ही साथ दिंदी है, ता ही कम चलते हैं। आने वाले टाइम सानू है कि होर भी बहुत वधिया साथ देंगे, जिवें कि सारे कह के जाते कि असीं तुहाडी आ सपोर्ट करांगे, ऑलवेज सपोर्ट हैगी है और पॉजिटिव माहौल है, बहुत अच्छा है। इनवेस्ट पंजाब की गल कर रहे थे, उस नाल फर्क पै रहा कुछ? देखो इनवेस्ट पंजाब एक कोशिश हैगी पंजाब विच इनवेस्टमेंट लिआउण दी, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੂਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖੂਗੀ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਵਾਂ। ਵੈਸੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਬੈਸਟ ਪਲੇਸ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘੁੰਮੇ ਸਭ ਘੁੰਮੇ, ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਬੈਸਟ इंडस्ट्री वास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर वास्ते जो माहौल है, इसलिए इंडस्ट्री का पंजाब सरकार भी बना रही है, पहली सरकार ने भी कोशिश की है, हम लगता भी वो बूटा जो है फल देने चुके हो जाएगा? देखो मैंने तकरीबन 25 साल हो गए इस इंडस्ट्री नाल जुड़े नूं, लुधियाने की इंडस्ट्री या सारे पंजाब की इंडस्ट्री मैं ग्रो होंदे ही वेखे, तो कुछ तुहाडे सामने खड़े है सरदार त्रिलोचन सिंह जी प्रेजिडेंट ने एसोसीएशन ऑफ लुधियाना मशीन टूल इंडस्ट्री के, है ना, सुशील जी है, सोखी साहब इंडस्ट्रियलिस्ट खड़े ने, सब बहुत तरक्की की इन्होंने, मैं देखा है। मैक आटो 100 मतलब जरा 2023 लाया, तो 2022 भी लग्या सी, मैं उदों भी इतने विजिट करके गया, तो वाकई ही जिहड़े काम करने वाले उन्होंने बहुत फायदा हुंदा, इतने एक थां ते सारी मतलब कि आपां नूं क्वालिटी वाइज होर सारी सुविधा मिल जाती है, वो देख के आपां अगे अपना काम वधिया ढंग नाल कर सकते हैं। तो मैं सारी इन्हां नूं बधाई भी दिंदा, धन्नवाद भी करदा, क्योंकि खास करके लुधियाने वास्ते बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आम आदमी पार्टी सरकार साढ़े मानयोग मुखमंत्री साहब भगवंत सिंह मान जी की सोच भी यही है, जिवें कि इनवैसट पंजाब हुण दी शुरुआत की सी, वो प्रोग्राम चलिया 3 दिन का, तो उहदे च भी असीं इंडस्ट्री सानूं बुला के इत्थे इनवैसट करन वास्ते मतलब कि बेनती की है, और चाहे छोटे कारखाना चाहे वड्डे कारखानेदार, वो जिन्ना मतलब कि साढ़े पंजाब आऊगा तो पंजाब अपनी इंडस्ट्री लाऊगा, तो उहदे नाल जिथे साढ़े सरकार नूं रेवन्यू मिलेगा, इनकम होगी, उत्थे लोगों नूं रुजगार मिलेगा। तो साडा मकसद ये है भी हर घर रुजगार दिता जाए, हर घर मतलब कि साड़ी मतलब कि सरकार नूं वध तों वध रेवन्यू पैसा आए, तो असीं मतलब कि पंजाब नूं खुशहाल कर सके, पंजाब नूं तरक्की दिता जा सके। हर तरह दा व्यापार चाहुंदे आ, क्योंकि दो चीज़ां, एक खेती तो एक मतलब कि इंडस्ट्री, और जे दोनों चीज़ा सही होनगियां जे स्टेट दियां जे सूबे दियां, तो वह सूबा हमेशा तरक्की करेगा, उत्थे इनकम भी सूबे नूं मिलेगी, उत्थे दे मतलब नौजवानों को रुजगार भी मिलेगा। तो आम आदमी पार्टी सरकार का इको एक मकसद आ, तो पंजाब नूं मतलब खेती प्रधान सूबा वा, खेती वास्ते भी मतलब पूरी सुविधा देनी है किसानों नूं, ते नाल इंडस्ट्री वाले नूं बेनती कर रहे हैं भी वध तों वध इत्थे इंडस्ट्री लाओ, तो वधिया ढंग नाल उन्हां नूं जो भी सुविधा असीं
एक थां ते ही देख के जिवें कि रिश्ती वेले ही असी सारियां मतलब कि एन ओ सी वगैरह इको टाइम वन टाइम के दे के उन्होंने कहीं कि अलग अलग जाना ना पवे अलग अलग धक्के ना खाने पैन वो सारे ही सी एम साहब साढ़े मान साहब कर रहे हैं और साड़ी आम आदमी पार्टी सरकार करी है तो आने वाले समय से देखोगे पर थोड़ा जहा मैं दसना चाहना भी जिहड़ा पिछले समय से जो सरकार काम करी जो वो पिछे नहीं जाना आप कहण का मतलब वो 74 साल का जो सिस्टम खराब है उन्होंने सही करने थोड़ा समा जरूर लगेगा पर हर हाल के क्योंकि पहले कह सकते पंजाब के पहले ईमानदार तो कर्मशील मुख्यमंत्री ने सरदार भगवंत सिंह मान जी जिहड़े ईमानदारी काम कर लगे ने अज तुम देखिया होना वा चाहे अगे कदे भी सुनिया नहीं होना भी अपनी जिहड़ी सरकार चलती है सरकार का कोई मंत्री जां एमएलए जेल गया होवे ते अज तुसीं देख रहे हो चाहे वह पुराने जिन्होंने कपड़े किए ने चाहे वह मतलब कि साडी सरकार का कोई मंत्री है चाहे एमएलए आ ते चाहे कोई अफसर आ कोई बख्शिया नहीं जाऊगा लोगों के टैक्सों का पैसा बिल्कुल बर्बाद नहीं होता जाऊगा लोगों के टैक्सों का पैसा इकट्ठा करके लोगों वास्ते लाया जाऊगा अज सारे ही मतलब कि पहला दिल्ली के देखो श्री अरविंद केजरीवाल ने सरकार चलाई है तीजी बारी सरकार बन गई आ तो लोग समझ चुके ने भई जे एक ईमानदार तो क्रांतिकारी मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी हुए ने लोगों वास्ते काम किया तो लोग सारिया पार्टियां तो खत्म हो गई तो सिर्फ आम आदमी पार्टी रह गई है तो इन्हों भी इतने पता वा भी जिस तरह आम आदमी पार्टी काम करी है तो इस तरह ही ना इन्हों रोकया गया तो आने वाले समय से सारिया पार्टियां खत्म हो जाएगी इतने भी आम आदमी पार्टी रह जानी इस करके मतलब कि पुठियां सीधिया चाल चल रहे हैं मैं कहो अक्सो 12वीं जी सुपर डुपर तरीके अब संपन्न हुई है और यदा सेहरा इंडस्ट्रिस्टा जाता उस कंपनी जाता जिन्होंने लेटैसट टैक्नोलॉजी लिया के इस लुधियाना शहर के अंदर इंडस्ट्री ग्रो करने वास्ते अपनी टैक्नोलॉजी दसी और खास करके उड़ान मीडिया के जी एस ढिल्लों साहब जिन्होंने इस एग्जीबिशन चार चंद लगाए बहुत वधिया तरीके ऑर्गेनाइज किया और सारे ही जिहड़े इत्थे एग्जीबिटर ने बहुत ज़्यादा प्रसन्न ने इस चार दिन की मैक आउट के लगभग दसिया जा रहा 900 करोड़ का बिजनेस होएगा देखना होगा कि 900 करोड़ का बिजनेस हों जिस तो भी वध हों क्योंकि अनुमान हजे लगाया जा रहा कैमरामैन सागर के नाल राजेश मेहरा सिटी न्यूज़ लुधियाना।